पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुंडा पांडे क्षेत्र में किसानों को तरबूज खरबूजे की फसल में काफी नुकसान हुआ है। ये किसानों का कहना है कि तेज गर्मी की वजह से खरबूजे तरबूज की फसल में कीड़ा लगने से खरबूजा और तरबूज मेथा सूख रहा है, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार से दवाइयां आती हैं, वे दवाइयां दुकानदार नकली देते हैं, जिसकी वजह से कीड़ा नहीं मर पाता और फसल में काफी नुकसान देखने को मिलता है। मेरा नाम सतपाल सिंह है। मेहनता की फसल है, मेहनता की फसल है सर। बहुत सूढ़ी वगैरह बहुत लग रही है। गेहूँ मेहनता भी कर लेते हैं जी, ईख मेहनता भी कर लेते हैं, मगर सूढ़ी इतनी लग रही है साहब, बहुत नुकसान ही नुकसान है इन चीज़ों में। ये सर तरबूज की फसल भी है बहुत तेज आई से, मगर फला रहा और गिर रहा सर। क्यों? सूढ़ी वगैरह की वजह से सर। किसान का कोई काम नहीं है इंजेक्शन लगाने। किसान को तो ये भी नहीं पता कि कहाँ से इंजेक्शन लगता है, कहाँ लगेगा। किसान तो खाली पैदा करके वो लाल की वजह से लगाते हैं, वहाँ ले जाकर जो बेचने वाले रोजगारी हैं, व्यापारी जो होते हैं, व्यापारी जो हैं वो काम कर रहे हैं। किसान को तो कहीं भी चेक कर लो, उसको तो सड़ जाएगा उसमें अगर उसने सुई छेद दी तो। हेमराज सिस्टम की तरबूज की। अच्छा। हाँ, ये सूख रही है, बीमारी लग गई सुड़ी की। बीज देने वाले ने ये बताया नहीं कि दवाई इसमें पड़नी चाहिए, कम से कम रुपये में चमड़ने पर 25,000 का तो मान के चलो नुकसान। ये हो जाती है माह फागुन चैत बैसाख जेठ, 5 महीना मान के चलो, होता फायदा होता है। हाँ, लेकिन अब क्या फायदा होगा जब बताओ, 90 किलो बगे तो धरा हुआ है। अच्छा, क्या हुआ इसमें? बीमारी भी एक अगर ये बता रहा हूँ मैं। अच्छा, सुनी लग गई है खेत के अंदर। आप क्या चाहते हो? अब ये चाह रहा हूँ मैं कुछ मिलना चाहिए मुझे।